హైదరాబాద్ లక్డీ కపుల్ గ్లోబల్ హాస్పిటల్ పై దాడి ఘటనలో కేసు నమోదు చేసినట్లు సెంట్రల్ జోన్ డీసీపీ విశ్వప్రసాద్ తెలిపారు. స్వైన్ ఫ్లూ కారణంగా సలీమా బేగం చికిత్స పొందుతూ చనిపోయినట్లు వైద్యులు చెప్పారని అన్నారు. బంధువులు హాస్పిటల్ ధ్వంసం చేశారు. సమాచారం అందగానే పోలీసులు అక్కడికి చేరుకున్నారని డీసీపీ చెప్పారు. డ్యూటీలో ఉన్న పోలీసులపై దాడి చేశారని తెలిపారు. హాస్పిటల్కే షీట్ డీవీఆర్ సిస్టమ్ను సీజ్ చేశామని అన్నారు. तो वायरल फीवर वो चल भाई वॉकिंग आई थी हॉस्पिटल में चल लेते हुए. नॉर्मल फीवर था, टैबलेट्स खा रहे थे. हॉस्पिटल में एडमिट हुए, जनरल वार्ड में 3 डेज तक एडमिट थे. फिर 3 डेज के बाद जो है ना वो लोग बोले कि सीरियस है, उनका पल्स रेट डाउन हो रहा, तो आईसीयू में एमआईसीयू में एडमिट करना बोल के बोले. हम लोग बोले ओके. हाँ, एमआईसीयू में जब एडमिट करे, एमआईसीयू में एडमिट करने के बाद 3 दिन के बाद बोल रहे कि स्वाइन फ्लू है बोल के. डे 1 अगर ये स्वाइन फ्लू डिटेक्ट कर लेते, टेस्ट करा लेते तो क्या होता. सिम्टम्स तो वही थे ना, लेकिन नहीं कराए. इसके वजह से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल गया. फिर आज 2 दिन पहले से इनको जो ना वेंटिलेटर लगाना फोर्स कर रहे थे बार बार. हम लोग बोले कि ज़रूरत नहीं है वेंटिलेटर की. फिर आज हम लोग कन्विंस करके वो मीटिंग करके बोले कि लगाए तो अच्छे हो जाते, मैं गारंटी देता हूँ, बोला डॉक्टर. डॉक्टर मनिंद्रा नाम है उसका. तो हम लोग बोले ओके बोल के लगाए. लगा के हाफ एन आवर के बाद डेथ. बात करे भाई, मॉर्निंग में भी मिल के गए, बोले भी ये लोग मेरे को मार देते. देखो बोल के